कारण और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रविवार की देर रात सिमरौना ग्राम सभा के विनौता गांव निवासी विदेश मंत्रालय के रिटायर्ड कर्मचारी भोलानाथ के घर कूड़ेवार थाना अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। घंटों चले इस छापेमारी में पुलिस के हाथ खाली रहे। बताया जाता है कि पुलिस को अवैध शराब उतारने की सूचना मिली थी। रिटायर्ड विदेश मंत्रालय कर्मचारी के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। भारी पुलिस बल देख ग्रामीण सहित परिजनों में हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ शराब तो दूर खाली सीसी तक नहीं मिली। रिटायर कर्मी के घर देर रात भारी पुलिस बलों की छापेमारी के चलते ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ से देखा सर, घर बहुत बड़ा है, इधर से आइए, इधर से आइए सर, इधर से आइए। चप्पा चप्पा देख लीजिए सर, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये हमारी सरिया है, गाय हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं। अंदर देख लीजिए, अंदर देख लीजिए, आइए हुसैला दिखा दो। आइए अंदर आइए, बाद में ना कहीं नहीं रहे। ट्रक जो है ठेलिया तो है नहीं, अरे दिखा दिए दिखा दिए, घर खोला घर घर दिखा दिए। आओ कमरा, बोला आओ, हम सब एक एक कमरा खुला देते हैं। खुला हुआ मम्मी, नहीं नहीं दूसरा है, देख लीजिए एकदम खाली है। और बुला लीजिए सबको, देखो बुला लीजिए, मतलब घर में परिवार है ना। घर बीती रात पुलिस वालों ने मध्य रात्रि में छापा मारा। दादाजी आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम भोलानाथ है, गांव विनुक्ता, और गांव विनुक्ता, और हम पद वहाँ विदेश मंत्रालय में दफ्तरी के पद पर तैनात थे। बोला हमने उसके बाद 40 साल भारत सरकार में सेवा किया। हम 86 में बोले रिटायर हुए थे। उसके बाद हमारा लड़का भी विदेश मंत्रालय में था, जिसका नाम शिवनाथ चतुर्वेदी था, और वो करीब 20 साल हो गया वहीं दफ्तर में ड्यूटी टाइम। उसकी अकाल मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल में, हम वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद हमारा नाती जो था 10 साल पहले, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम खेती करके बच्चे के कोई तरह से, सारे इनके 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां और एक विधवा उनकी माँ, इनका लेके परिवार का हमारे ऊपर भार है, कोई तरह से इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। मैंने सुना बीती रात थानाध्यक्ष कोड़े भार ने आपके घर पे आकर बीती रात छापा मध्य रात्रि में क्यों मारा था? बोलो। थानाध्यक्ष ने हमें बताया कि आपके घर, हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे घर एक तरह अवैध शराब उतारी जा रही है। उसके बाद पुलिस वालों ने सारी दूर चारों तरफ हमारे घर के
पूरी तलाशी लिया, उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर उसकी बात था, इसके बाद पुलिस वालों ने हमसे घर के अंदर लेने के लिए, तलाशी लेने के लिए हमसे अनुमति मांगी। हमने अनुमति दे दिया और बच्चों को जो हमारे घर में थे, जो दो लड़कियाँ एक नतुहू जो थी हमारी, वो उनको सबको एक तरफ करके हमने पूरा घर खाली कर दिया और उन लोगों ने पूरा घर का छानबीन किया। उसके बाद में फिर कुछ नहीं मिला तो निकल आए, तो थाना अध्यक्ष ने फिर उसके बाद सारे पुलिस वाले ने थाना अध्यक्ष साहब सबको लेके शांतिपुर को लेके चले गए और हमें पुलिस वाले थाना अध्यक्ष साहब ने हमारे यहाँ कोई किसी को परेशानी की कोई बात नहीं हुई, हम उससे संतुष्ट थे। हमको भी और हमारी जो नतु हुए वो भी हार्ट के मरीज है और हम भी बीमार चल रहे हैं, इससे हमको बहुत ही रात को परेशानी हो गई। और उसके बाद में हम हाथ जब यहाँ से वो सब चले गए, तब जब घर गए तो मेरा हाथ पांव सब कांपने लगा, हम अचेत हो गए, कोई पानी वानी छिड़का गया तो फिर हमको होश आई। पुलिस के आने से हमारा हाथ पैर कांपने लगा और हमारा नतुहू जी थी हार्ट का मरीज थी वो चेत हो गई और बच्चे जो थे वो सब डर के मारे रोने इतने लगे घर में। पुलिस के आने से यहाँ पर गांव का कोई भी एक आदमी और हमारे पास हमारे घर के कोई नहीं आया। पुलिस को पुलिस को झूठी सूचना दे करके जिसने हमारे सबको बहुत रात को परेशान किया, रात के मरीज को मर जाने की भी अंदेशा था। आए दिन जो यहाँ के लोग जो हैं जो हमें हमेशा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन अभी थोड़े दिन हुआ हमारे नाती के ऊपर उसका जो है उसके ऊपर केस करा के उसको भी परेशान कर रहे थे। हमारा अनुरोध है कि इस जो आदमी ये कर रहा है ऊंचे स्तर से हमारे लिए इसका प्रशासन इसकी कार्रवाई कराए जिससे हमें इतनी तकलीफ ना उठाना पड़े। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।